आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इस योजना में हम बात करेंगे फार्मर रिकॉर्ड हैज बिन रिजेक्ट का प्रॉब्लम बहुत किसानों का आया हुआ है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और इसका प्रॉब्लम क्या इसमें शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो देख पा रहे हैं PFMS बैंक रिजेक्शन रीजन, तो यहाँ पर कोई रीजन भी नहीं दिया गया है, तो कैसे सॉल्व होगा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप सबको पता होगा कि पीएम किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट 27 फरवरी को किसानों के अकाउंट में आ चुका है और बहुत ऐसे किसान हैं जिनका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ पाया है, उसका बेनिफिशियरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना होगा। तो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। वहाँ पर जाकर pmkisan.gov.in लिख के पीएम किसान के पोर्टल पर आपको चले आना है। गूगल क्रोम में आपको पीएम किसान लिखना है, लिखने के बाद इसको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पीएम किसान का जो वेबसाइट है इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पीएम किसान का पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर देख पाएंगे फार्मर कॉर्नर के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिशियरी स्टेटस। आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको क्लिक कर देना होगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स में फिलअप कर देंगे। करने के बाद गेट मोबाइल डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस खुल के आ गया। आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसका बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या क्या प्रॉब्लम है आप यहाँ पर देख पाएंगे। कि जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका बेनिफिशियरी स्टेटस में यहाँ पर लिखा हुआ आधार डेमो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है और EKYC इसका जो देख पा रहे हैं यहाँ पर डन लिखा हुआ है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर एस लिखा हुआ है। यहाँ पर पेमेंट मोड आधार भी यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं PFMS रिकॉर्ड हैज़ बिन रिजेक्टेड बाई PFMS बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पर लैंड सीडिंग जो है यस लिखा हुआ है। आपका लैंड सीडिंग यहाँ पर सब कुछ सही है और यहाँ पर PFMS बैंक रिजेक्शन रीजन, यहाँ पर रिजेक्शन रीजन जो दिया हुआ है रीजन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है क्योंकि UID नेवर एनेबल फॉर DBT यहाँ पर शो करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर अकाउंट नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ रीजन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या काम करना होगा, आपको PFMS करंट स्टेटस चेक करना होगा कि PFMS करंट स्टेटस में क्या प्रॉब्लम आया हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ पर चेक करेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या आया हुआ है तभी आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। और इसका इंस्टॉलमेंट भी देख लेते हैं कि इसका इंस्टॉलमेंट कितना आया हुआ है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 11वां इंस्टॉलमेंट दिया गया है और यहाँ 17/10/2022 लिखा हुआ है। 27 फरवरी को जो पैसा भेजा गया था उस 27 फरवरी को पैसा यहाँ पर नहीं आया हुआ है और यहाँ पर जो 13वां इंस्टॉलमेंट है वो भी नहीं दिया गया है। तो इनका 2 किस्त अभी रोक दिया गया है, तो 12वां किस्त जो है 17/10/2022 में भेजना चाहिए था, लेकिन 11 अक्टूबर को जो है 11वां इंस्टॉलमेंट भेजा गया और 12वां इंस्टॉलमेंट और 13वां इंस्टॉलमेंट पूरा खाली अभी शो करा। इसका पैसा अगर पाना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले PFMS करंट स्टेटस चेक करना होगा। तो PFMS करंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पर देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी कर लेंगे। करने के बाद PFMS करंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा चैनल होगा। चैनल के अबाउट सेक्शन पर आपको मिल जाएगा PFMS करंट स्टेटस चेक करने का लिंक। उस लिंक पर आप जाकर किसी का भी बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या आया हुआ है। हम YouTube पर हम लिखेंगे DG Samir, जो मेरा चैनल का लिंक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद सर्च पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिख के आ गया है DG Samir, मेरा चैनल का लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है PM Kisan PFMS बैंक लिंक, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रोम ब्राउजर या इंटरनेट ब्राउजर, अब जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर पर उसको ओपन कर लेना होगा। हम क्रोम ब्राउजर पर उसको ओपन कर लेते हैं। करने के बाद उसके बाद यहाँ पर बैंक स्टेटस खुल के आ गया है। आने के बाद यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे एडिट करने का ऑप्शन, ये पेंसिल का आइकन है, इस पेंसिल आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं RJ और डबल स्टार, इसको यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद आपका जो बेनिफिशियरी में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। हम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप कर दिया। करने के बाद सर्च पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेटस खुल के आ गया था और यहाँ पर देख पा रहे हैं रिकॉर्ड रेडी टू सेंड टू PFMS डेट, यहाँ पर 25/3/2023 को जो है सेंड किया गया इसका रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड सेंड करने के बाद यहाँ पर सेंड टू PFMS डेट, यहाँ पर अभी तक कोई डेट नहीं दिया गया क्योंकि इसका जो है अभी तक वहाँ पर जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर डेट नहीं दिया गया। आपका बेनिफिशियरी में जो भी प्रॉब्लम आएगा आगे या आपका एक्सेप्ट होगा तो
तो यहाँ पर रीजन लिख के आ जाएगा और यहाँ पर डेट भी शो कर जाएगा और यहाँ पेंडिंग जो शो कर रहा है यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा नहीं तो रिजेक्ट आएगा, जो दोनों में से जो भी होगा यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके बाद आपका PFMS रिस्पॉन्स डेट जो है आपका फाइनल डेट है यहाँ पर शो कर जाएगा। तो आपका यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा था, आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना होगा। अगर आपका ज़्यादा दिन हो गया पेंडिंग शो करते हुए और आपका PM किसान योजना का पैसा नहीं आ पा रहा है तो आप दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए और उस बैंक में आप अपना आधार NPCI कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक जो है ये प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगा और PM किसान योजना का पैसा आने का जो प्रोसेस वो चालू हो जाएगा। इनका पहले हम बेनिफिशियरी स्टेटस चेक किए थे 14 तारीख को, तो 14 तारीख को यहाँ पर शो कर रहा था UAD नेवर एनेबल फॉर DBT, इसका प्रॉब्लम आ रहा था। 14 तारीख के बाद जो ये अपना आधार NPCI करा लिया है बैंक में, करने के बाद यहाँ पर पेंडिंग अभी भी शो कर रहा है। यहाँ से जैसे ही पेंडिंग हटेगा और पैसा जो भी रुका हुआ है वो पैसा आने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आपका बेनिफिशियरी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है और आप प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपका प्रॉब्लम बार बार सही करते हैं और आपका प्रॉब्लम फिर भी नहीं हटता है तो आपको क्या काम करना होगा, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम कोशिश जरूर करेंगे और आपका समस्या का समाधान हम जरूर देंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।